नमस्कार मित्रों, आगामी 12 दिसंबर 2022 को श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिवपुराण की कथा का कथावाचन होना है, जो बैतूल के किलेदार गार्डन शिवधाम कोसमी फोरलेन पर स्थित कथा स्थल पर होगी। आइए हम आपको यातायात संबंधित कुछ जानकारी दे दें, लेकिन उससे पहले हमारा आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकॉन भी दबा दे, ताकि हम आप तक पहुंचा सके इस तरह की तमाम खबरें। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की जानकारी का वीडियो। कथा स्थल पर पहुंचने के लिए आसान होगी यातायात व्यवस्था। शहर के श्रद्धालुओं को बस से कथा स्थल तक लाने की गई है व्यवस्था। आधा दर्जन पॉइंट बनाए जाएंगे। सभी बस कार वाहन मालिकों से सहयोग की अपील है। बैतूल शहर से सटे कोसमी क्षेत्र में आगामी 12 दिसंबर से पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिवपुराण कथा हो रही है। इस कार्यक्रम के लिए आयोजन समिति द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। कथा सुनने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मार्गों के साथ ही 5 स्थानों पर पार्किंग व्यवस्था भी तय कर दी गई है। इसके अलावा शहर के श्रद्धालुओं को कथा स्थल तक बस से लाने की व्यवस्था भी की गई है। आयोजन समिति ने सभी स्कूलों से बस मालिकों से अपील की है कि वे भी स्वयं अपने स्थान निश्चित कर श्रद्धालुओं के लिए आने जाने की व्यवस्था करें। गौरतलब है कि शिवधाम किलेदार गार्डन कोसमी फोरलेन स्थित कथा स्थल पर रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। श्रद्धालु आसानी से कथा स्थल तक पहुंच सके, उनके वाहन व्यवस्थित खड़े रखे जा सके और सुरक्षित भी रहे, इसका भी आयोजन समिति ने पूरा ध्यान रखा है। आयोजन समिति के यातायात प्रभारी नारायण पवार ने बताया है कि कथा स्थल पर आने जाने के लिए 5 रास्ते हैं। इनमें पहला मार्ग ईदगाह तिराहा के पास से है, दूसरा मार्ग HMT फैक्ट्री के बगल से, तीसरा मार्ग JK रेस्टोरेंट के बगल से, चौथा मार्ग फोर लेन से और पांचवा मार्ग तितली चौराहे से होकर है। बाहर से आने वाले के लिए तय रास्ता ही है, लेकिन शहर के श्रद्धालुओं के पास कथा स्थल तक जाने के लिए कई रास्ते हैं, विकल्प है। कथा स्थल से करीब रहने वाले श्रद्धालुओं से आयोजन समिति ने यह अपील की है कि वे वाहनों से आने के बजाय पैदल ही कथा स्थल पहुंचे, ताकि कथा स्थल पर अव्यवस्था ना हो, भीड़ ना हो। इन स्थानों पर होगी वाहनों की पार्किंग। पार्किंग नंबर 1, यहां पर सारणी शाहपुर इटारसी भोपाल की ओर से आने वाले वाहन पार्किंग किए जाएंगे। इसके लिए रामायण रेसिडेंसी में 20 एकड़ में पार्किंग बनाई गई है। पार्किंग नंबर 2, यहां पर आमला मुलताई छिंदवाड़ा नागपुर की ओर से वाहन पार्क किए जाएंगे। इसके लिए तितली चौराहे पर 15 एकड़ में पार्किंग बनाई गई है। पार्किंग नंबर 3, यहां पर खेड़ी चिचोली परतवाड़ा इंदौर की ओर से आने वाले वाहन पार्क होंगे, इसलिए कोसमी पर 11 एकड़ पार्किंग बनाई गई है। पार्किंग नंबर 4, यहां बैतूल शहर के श्रद्धालुओं के वाहन पार्क होंगे, इसके लिए इंडस्ट्रियल एरिया की खाली 20 एकड़ जमीन पर पार्किंग बनाई गई है। बसों से भी लाया जाएगा श्रद्धालुओं को। आयोजन समिति के बस व्यवस्था प्रभारी राजेश आहूजा ने बताया कि कथा स्थल पर श्रद्धालुओं के वाहन कम से कम आए, इसके लिए समिति द्वारा शहर के श्रद्धालुओं को कथा स्थल तक लाने के लिए निःशुल्क बसों की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके लिए कुछ स्कूल संचालकों द्वारा बस मुहैया कराई जा रही है। साथ ही इन बसों से श्रद्धालुओं को लाने के लिए शहर में करीब आधा दर्जन पॉइंट बनाए जा रहे हैं। यह बसें श्रद्धालुओं को लेकर कथा स्थल के करीबी ड्रॉप पॉइंट पर छोड़ेगी, कथा के बाद वापस भी पहुंचाएगी। श्री आहूजा ने बताया कि यह बसें सुबह 10 से 12 और शाम को 4 से 6 बजे के बीच चलेगी। उल्लेखनीय है कि कथा का समय दोपहर 1 से 4 बजे के बीच रहेगा। इसके अलावा निजी बस मालिकों से भी चर्चा की जा रही है, ताकि वे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को आयोजन समिति के ड्रॉप पॉइंट पर ही उतारे और वहीं से उन्हें बैठा ले भी। ऑटो संघ भी करेगा सेवा। ऑटो संघ ने भी शहर में कहीं से भी कथा स्थल तक जाने के लिए मात्र 20 रुपये प्रति सवारी लेना तय किया है। सभी श्रद्धालुओं से व्यवहार का भी सभी ध्यान रखेंगे। यह थी जानकारी, आशा है आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।